आप सभी को नमस्कार। आसाम के स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम अभी लगभग घोषित हो चुके हैं और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आसाम के स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत हासिल कर रही है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी असम के तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहती है कि उन्होंने हमारे पे भरोसा जताया, उन्होंने विकास पे भरोसा जताया। जैसे कि आपको मालूम है, फरवरी 9 तारीख को असम में 74 अर्बन बॉडीज़ के चुनाव हुए थे और फरवरी 12 तारीख अर्थात आज उनका काउंटिंग होना था। काउंटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है और 74 में से 42 टाउन कमिटीज़ के रिजल्ट्स हैं, 32 म्यूनसिपल बोर्ड के रिजल्ट हैं। उसमें से जो टाउन कमिटीज़ के 42 हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 23 अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं सीटें। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं, असम गण परिषद AGP को 0, AIUDF को 0 और अदर्स को 0 मिली हैं। जो 32 म्यूनसिपल बोर्ड थे, लगभग परिणाम आ चुके हैं। BJP को उसमें 21 सीटें प्राप्त हुई हैं, कांग्रेस को मात्र 8 सीटें और असम गण परिषद AGP को 1 सीट प्राप्त हुई है। जो टाउन कमिटी की जो रिजल्ट्स आई हैं 42, जिसमें BJP को अभी तक 23 सीटें मिली हैं, पिछली बार मात्र 11 सीटें BJP के पास थी। तो एक सब्सटेंशियल जंप भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे टाउन कमिटीज़ के रिजल्ट में किया है। ठीक उसी प्रकार जो म्यूनसिपल बोर्ड के रिजल्ट आए हैं 32, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को अभी तक 21 सीटें मिली हैं, पिछली बार मात्र 5 सीटें BJP के पास थी। यह भी एक सब्सटेंशियल जंप है। जो 9 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, तो इस बार 72% लोगों ने असम में वोट किया था, कंपेयर टू 2009 विच वॉज ओनली 61%। सो डेफिनेटली दिस ऑलमोस्ट अ क्लीन स्वीप इन असम एज फार एज भारतीय जनता पार्टी इज कंसर्न इन द लोकल बॉडीज इलेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2016 में असम में असेंबली के इलेक्शंस हैं। ऐसे में जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार वहाँ चल रही है, एक बात आज के नतीजों से बड़ा स्पष्ट है और वो बात है कि असम की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को समाप्त करना है और भारतीय जनता पार्टी को असम में लाना है। जिस प्रकार से हमने देखा कि AIUDF को भी 0 सीटें मिली हैं, असम गण परिषद को भी मात्र 1 सीट मिली है अभी तक, स्वाभाविक रूप से बाकी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं असम की पॉलिटिक्स में, उनको भी एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, उनको भी असम की जनता ने नकार दिया है। यह एक बहुत अच्छी खबर है असम के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और विकास के लिए। हम पुनः असम की जनता को धन्यवाद करते हैं। अंग्रेजी में भी मैं कर दूं। एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट टुडे द 12th ऑफ फरवरी द असम लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट्स आर कमिंग आउट एंड वी थैंक द पीपल ऑफ असम फॉर द काइंड ऑफ सपोर्ट दे हैव शोन टू भारतीय जनता पार्टी। We are aware of the fact that on February 9th, Assam had gone for election for 74 urban bodies election. Out of these, 42 are town committees and 32 are municipal boards. Most of the results are out. A few seats counting are still left. But as of now, the results are of the 42 town committees, BJP as yet has won 23. Previously, it had won only 11 seats. Congress as yet has won 9 seats. Assam Gana Parishad, AIUDF and others still have not opened their accounts. Of the 32 municipal board seats, Bharatiya Janata Party as yet has won 21 seats. Previously it had only won 5 seats. Congress has won only 8 seats as yet and Assam Gana Parishad as yet 1 seat. We all know that in this election, apart from BJP and Congress, the other two players were Assam Gana Parishad and AIUDF. Last time, that is in 2009 when these elections were held, the election voting percentage was 61% and this time it was a humongous 72%. So we can say in a nutshell that it is a sweep as far as Assam local body election is concerned for the Bharatiya Janata Party.
We all are aware of the fact that in 2016, the assembly elections would be held in Assam, a fight between Congress and BJP, and this election result clearly points to the fact that people of Assam have made up their mind, in fact, to rout out Congress and to support the Bharatiya Janata Party. We again take the opportunity of thanking the people of Assam. Thank you. Sir, अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि 24 फरवरी को एक दिन के लिए लैंड रिफॉर्म लैंड एक्विजिशन बिल पे जो संशोधन हुआ है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे। आपको क्या लगता है कि लैंड एक्विजिशन बिल में जो संशोधन किया गया है ये किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए है? अन्ना हजारे क्यों कर रहे हैं? देखिए, अन्ना हजारे जी को तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सम्मान करते हैं, वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं और स्वाभाविक है उनका अधिकार भी है कि वो हर विषय पे अपने मत को रख सकते हैं और ख़ास करके किसानों के विषय को लेकर वो जो भी सुझाव करेंगे जरूर उन सुझावों पर सरकार टिप्पणी करेगी, ऐसा भारतीय सरकार उसको संज्ञान में लेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। सर, असम के में आप जीत की बात कर रहे हैं वहाँ पर, मगर प्रवीण तोगरड़िया जी की रोक लगा दी असम सरकार ने, इसे किस प्रकार से देखिए? देखिए, असम का वो अपना विषय है, वो कानून का विषय है और किसी भी जो स्टेट का विषय होता है हम उसमें दखल नहीं देते हैं ना टिप्पणी करते हैं, वो उनके राज्य का विषय है।